अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर लाए हैं बेहतरीन ड्रेसों के डिज़ाइन। क्या आप अपने सिंपल ड्रेस को किस तरीके से बेहतरीन डिज़ाइनर ड्रेस में तब्दील कर सकते हैं और एक सिंपल ड्रेस को किस तरीके से अच्छे से अच्छा डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका ड्रेस किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि इंसान के ड्रेस से ही इंसान की शख्सियत की पहचान होती है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो से सीखें और समझें कि आपने अपने किस तरीके से किस तरह के ड्रेस में अपने किस तरीके की लेस लगानी है। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस का। तो जिन दोस्तों को अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो हमसे फिर रब्ता करें, मगर अभी नहीं, हम अनाउंस करेंगे उस वक्त। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपको उस ऑनलाइन क्लासेस में खुद सिखाऊंगा लाइव कि किस तरीके से आपके सवालों के जवाब देने हैं। आप पूछेंगे हमसे कि ये किस तरीके से होता है, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक डिज़ाइन के बारे में हम आपको खुद सिखाएंगे। और वो यूट्यूब के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो व्हाट्सअप के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। तो जिन दोस्तों को चाहिए सीखना होगा वो हमसे रब्ता करेंगे, हम अपने अनाउंसमेंट करेंगे, अपना नंबर देंगे इसके ऊपर और आप हमसे रब्ते में आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपके पास हमारी वीडियो रेगुलरली पहुँचती रहें। वीडियो देखें, वीडियो को एंजॉय करें, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलता हूँ। दोस्तों लेस दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे को जो सबसे अच्छी और बेहतर लेस जो लगी है, इसके अंदर एक लेस लगी है जो एक इंटरनेशनल ड्रामा सीरियल चल रहा है उसके अंदर एक मेन किरदार ने पहना है, उसके ऊपर उसको यूज़ किया है लेस को। तो वो मैं आपको सबसे एंड में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पूरी देखना। चलो मैं आपको लेस दिखाता हूं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये पर वाली लेस, इसमें पल का यूज़ किया है और ये पर इसमें लगे हुए हैं और ये ओरिजिनल पर लगे हुए हैं। ये परों को डाई करा है और ओरिजिनल इसके अंदर ये पर यूज़ किए हैं, बहुत सॉफ्ट और मुलायम और नरम है, बड़ी प्यारा लग रहा है, दिल चाह रहा है इसमें बार बार हाथ फेरते रहो। बड़ी खूबसूरत लेस है, इसको बढ़ता हुआ लगा सकते हैं आप और अपने दामन के अंदर लगा सकते हैं, आइस्तीनों में लगा सकते हैं, पेंट के एंड में लगा सकते हैं, यहाँ पे पेंटक्स वगैरह डाल सकते हैं। पल का यूज़ किया है, वाइट यूज़, और आप इसको किसी कंट्रास्ट कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक तरीके से ये लेस है जिस तरीके की मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी ये आप अपने पार्टी वेयर के ड्रेसेस के अंदर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लॉन कॉटन की भी ड्रेसेस दिखाऊंगा मैं, और जो एंड में दिखाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर आप दोनों तरीके के ड्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा, और वो मेन किरदार पे फिल्माया गया है वो ड्रामा, जिसके अंदर वो लेस मैं दिखाऊंगा आपको, जो लेस है। चलो अब मैं आपको दूसरी लेस दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये मजेंडा कलर का कपड़ा है, ये है, मैंने वैसे बेसिकली से इस पर दिखा रहा हूँ कॉटन, बाकी आप ये इसके ऊपर आप रेशमी कपड़ा ले लें, कोई सा भी कपड़ा ले लें, नेट का प्लाजो ले लें। जो मेरा जहन चला इसके ऊपर, ये जहन मेरा ये चला है कि जैसे कि नेट का गरारा होता है, और गरारे के जहाँ पे से प्लेटें ख़त्म होती हैं ऊपर के हिस्से पे, जहाँ पे घुटने वाले हिस्से में आता है, तो वहाँ के ऊपर ये आप ये लेस लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। नेट का गरारा बनाए या सिल्क के कपड़े का गरारा बनाए, तो उसके घुटने वाले हिस्से के ऊपर अगर आप ये लेस यूज़ करेंगे, दामन में यूज़ करेंगे, स्लीव्स में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत प्यारा आपका ड्रेस बन जाएगा और बहुत हेवी भी लगेगा देखने से। बाकी ये मैं कॉटन के ऊपर रख के दिखा रहा हूँ, कॉटन कपड़े के ऊपर देखें लेस इस तरीके से है, और जब हम इस पर रखते हैं तो ये पीछे से इसका इसके जो इसके सुराख हुए हैं, ये कटवर्क हुए हुआ है, इसके अंदर से जो कपड़ा नज़र आता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने लग गया था। ये मिरर के ऊपर इसका काम किया है, गोल्डन इसका साइड दिया है, बॉर्डर इसके जो फिल करा है गोल्डन से फिल किया है, और मिरर से इसके ऊपर काम किया है, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी लेस, ये देखें, ये नेट का पीस है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ ताकि हमारे को अच्छा सा लगे दिखने में भी नज़र आए। इसमें टू कलर करवाए हमने और ये लेस पसंद की है इसके ऊपर, ये है सितारों के ऊपर है और सिल्वर के इसके ऊपर काम है, तो सिल्वर इससे टच हो रहा है और सितारे भी इससे ही टच हो रहे हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। ये शर्ट के दामन के अंदर, स्लीव्स के अंदर, गले के अंदर, गला किसी भी तरीके से आप लें और उसके अंदर इसको घुमा दें, और हाई नेक पट्टी बनाएं और पट्टी के ऊपर आप इस लेस को लगा दें हाथ से गोल गोल, और यानी कि ये जैसे इसका सिल्क का इसकी पेंट है हमारी ना, पेंट के कपड़े की हमने पट्टी घुमाएंगे हम आईने की, और उस पट्टी के ऊपर फिर इस लेस को हम घुमा देंगे। दामन के अंदर भी यही करेंगे कि हम दामन नेट की शर्ट है तो हम इस सिंपल शर्ट को हम भरेंगे, ये दुपट्टे के ऊपर मैंने रखा हुआ है, तो शर्ट के अंदर हम दामन में पट्टी लगाएंगे, पट्टी पे लेस लाएंगे, फिर पूरे उसके ऊपर हम बारीक बारीक नगों का छन दे देंगे, तो पीस हो जाएगा हमारा हेवी और बहुत प्यारा पार्टी वेयर के हिसाब से। और आजकल सर्दियाँ हैं और शादियों का सीज़न है तो ये सारी चीज़ें इन है, तो इस वजह से मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब दिखाते हैं हम आपको दूसरी लेस।
दोस्तों ये देखें, ये समोसा लेस है। ये समोसा लेस आप अपने कॉटन के कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं जो आम रूटीन के अंदर पहने जाते हैं। बहुत प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है। कॉटन के समोसे बने हुए, कलर भी नहीं निकलेगा। और इस पर ये पट्टी यूज़ की है, पट्टी को तो आप दबा देंगे, बाकी समोसे नज़र आएंगे। क्योंकि ये बॉर्डर लेंगे तो बॉर्डर तो वैसे भी इसलिए दिया कि समोसों को एडजस्ट करा जा सके। बाकी ये समोसा लेस मल्टी के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इस पर वाइट शर्ट के ऊपर अगर आप ये समोसा लेस यूज़ करें, दामन में, चाक में, या फ्रंट ओपन बनाए फ्रंट ओपन में यूज़ कर लें, या साइड में अंगारखा स्टाइल में बनाए। मैंने एक शर्ट बनाई थी, चिकन का कॉटन का शर्ट थी और अंगारखा स्टाइल था उसका। तो अंगारखा स्टाइल के अंदर मैंने सब जगह ये मल्टी समोसे लगाए थे और वो फ्रॉक स्टाइल में बनाया था, पेपलाइन स्टाइल में। तो उसके दामन में भी मैंने घुमाई थी और सीरीज में भी घुमाई थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन लग रहा था, देखने में सिंपल है मगर बहुत ही प्यारा लग रहा था डिज़ाइन। ये इसी हिसाब से मैं आपको एक वाइट लेस दिखाता हूँ पैंचों में लगाने के हिसाब से, और उसके साथ इसको भी अटैच कर सकते हैं आप। यानी कि एक मिनट, इसको दोबारा खोलते हैं। ये हो गई हमारी नेट, नेट हमने ये लगाई थी पैंचों के अंदर। तो और पैंचों के ऊपर फिर हमने नेट के इस तरफ ये लगाई थी और इधर हमने पैंचे ले लिए थे। तो एंड में हमारी नेट आ रही थी, नेट के ऊपर हमारे वार थे और ऊपर कॉटन की हमारी पैंट आ रही थी। तो नेट के ऊपर ये समोसा आ रहा था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मल्टी कलर का समोसा, वाइट पूरी शर्ट, वाइट पैंट, बहुत प्यारा लग रहा था डिज़ाइन। अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये गोल्डन लेस है और इसके ऊपर गोल्डन नगों से काम किया है और गोल्डन तार से काम किया है। तो ये तो हर जगह एडजस्ट हो जाती है हर तरीके से। ये मैंने एक रफली तौर पे एक कपड़ा उठाया, उसके ऊपर मैंने रख दिया। बाकी आप इसको किसी भी तरीके से, आप इसके दुपट्टे के पल्लुओं पर, दामन पर, स्लीव्स पे, पैंट के ऊपर इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही प्यारी लेस है और बहुत ही इसका लुक आ रहा है। एक खूबसूरत लेस है और पीस को भारी करने वाली लेस है। अगर आपका पीस थोड़ा आपको लगता है कि हल्का है, फ्रंट ओपन के अंदर आप इसको लगा लें और सीधे पूरा नीचे से दामन से फ्रंट ओपन करें और इस लेस को यूँ उठाते हुए और कॉलर पे से यूँ घुमाते हुए नीचे लाएं चाक तलक, और फिर चाकों के सॉरी दामन से उठाएं और फिर दामन दूसरे दामन पे इसको गोल घुमाते हुए लाएं और फ्रंट ओपन को बंद कर दें आगे से, और जितना नीचे से 10 इंच 12 इंच 13 इंच जितने आपको नीड खोलें और फिर चाक दामन पे यूँ ले जाएं। तो ये बहुत ही भारी कर देगा आपके पीस को। और आप ये पार्टी वेयर में ऐसे ड्रेस पहनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और डिसेंट भी लगेगा, ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग काम करवाते हैं और काम एक जैसा लगता है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है और फिर वो तो फिर दुल्हनों पर ज़्यादा अच्छा लगता है वो भारी ज़्यादा। दोस्तों ये देखें, ये नेट का शरारा है और शर्ट है, इसके अंदर ये अस्तर यूज़ करेंगे, ये सिल्क का कपड़ा है और ये बटन है। ये ड्रेस में हम बनाएंगे तो मैंने बोला आपसे हम इसको भी शेयर कर लेते हैं। शर्ट के अंदर हम ये बटन यूज़ करेंगे, बड़े खूबसूरत बटन है, बटन पट्टी बनाएंगे और इसको हम बटन पट्टी हम सिंपल बनाएंगे। एक ऐसा ही जो इसके अंदर डार्क कलर आ रहा है वो डार्क कलर लगा देंगे बटन पट्टी, ताकि हमारे फिर बटन वाजे हों। अभी इसके ऊपर रख रहे हैं डायरेक्ट रखने से बटन वाजे नहीं हो रहे, तो हम उसको इस तरीके से करेंगे। अब हम इसमें पता क्या करेंगे, हमारे पास ये लेस है, बटन पट्टी जब हम इस कलर की बनाएंगे तो इस कलर की जो बटन पट्टी होगी उस बटन पट्टी के चारों तरफ हम इस लेस को अंदर से ही तरफ से लगाएंगे। अब मैं आपको स्केल के ऊपर इसका तजर्बा करके दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए। फर्स्ट कर लें, ये हमारा ये डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है, और ये हमारा डार्क ब्राउन कलर की बटन पट्टी है। बटन पट्टी हमने इसके हिसाब से हम चौड़ी लेंगे, जितना ये चौड़ा है उससे हम आधा इंच चौड़ा लेंगे बटन पट्टी को। ये इसके ऊपर तो पूरा नहीं आ रहा मगर फर्स्ट करें, हम हमारी बटन पट्टी ये है इस कलर की डार्क ब्राउन की और हमने इतना चौड़ा इसको ले लिया। उसको लेने के बाद हम इस लेस को इसके चारों तरफ हम इसको इसके इस तरीके से यूँ घुमा देंगे, हल्का सा इसको दबाएंगे, बिल्कुल बारीक सी नज़र आएगी। छोटे छोटे से रिंग है गोल्ड, तो दोस्तों ये छोटे छोटे से रिंग है गोल्डन, ये बहुत ही प्यारे लगेंगे इसके बटन पट्टी के लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो जो मैंने समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब हम इसको रखते हैं सेट के ऊपर, हम आपको बताते हैं आगे करना क्या है। इसके दामन के अंदर यानी कि शरारे के बिल्कुल घेर के एंड में हम गोल्डन ये डार्क ब्राउन पट्टी यूज़ करेंगे और ये गोल्डन लेस घुमाएंगे, ठीक है, एंड में। फिर हम इसकी स्लीव्स के अंदर भी यही करेंगे और शॉर्ट शर्ट होगी तो शॉर्ट शर्ट के अंदर भी हम यही करेंगे कि एक डार्क ब्राउन पट्टी घुमाएंगे और उसके एंड के अंदर हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा पीस फेल ही, देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा है, भारी है और भारी हो जाएगा इन बटनों की वजह से और इस लेस की वजह से। तो मैं बटन वापसी रख देता हूँ इसके अंदर, थैली के अंदर, जब इस सूट को बनाऊँगा हो सकता है आपको मैं दिखाऊँ। तो मैं अभी आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये चुनरी का दुपट्टा है, चुनरी के दुपट्टे के ऊपर डबके का काम हुआ है, यानी कि ये जिस तरीके से ठोक ठोक के काम करते हैं उसका काम हुआ है, और इसके ऊपर हमने ये लेस लगाई है। लेस के साथ हमने इसमें हैंड अपना मशीन का काम की कारीगरी भी करी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर लेस के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। ये लेस इतनी थी, बड़ी खूबसूरत थी, रिसेंट सी लेस थी, ये पुराने ज़माने में आता था, इसको क्या बोलते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये आता था। तो इसको इसके इसका काम हुआ है लेस के ऊपर ना, धनक पट्टी कुछ ऐसा कुछ इसको बोलते थे,
बाकी जब याद आएगा तो बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। और ये बारीक बारीक समोसे हैं, इसी पट्टी के इसके समोसे बने हुए। और अच्छा, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट्स करके बताना कि इसको बोलते क्या हैं, कमेंट्स में बताना, ठीक है। और इसी के फिर हमने मार्केट से लिया सादा कपड़ा, और सादे कपड़े के ऊपर हमने यही पट्टी ली, फिर सिलाइयों से इस पूरे कपड़े के ऊपर हमने बारीक बारीक लगाया। फिर इस लेस के साथ हमने इसको, ये देखें ये पीछे भी आ रहा है, पट्टी को हमने पहले से बैठाया, इसको इसके ऊपर पलट दिया, लेस हमने यूँ कर दी, पट्टी का सारा कचरा अंदर चला गया, ये देखें पूरा गुम हो गया, पीछे से खूबसूरती आ गई, आगे से ये इस तरीके से लेस आ गई। तो हमें दिखाने का मकसद ये है कि ये दुपट्टा है, और हमारी जो शर्ट है बिल्कुल सादी है, पैंट भी हमने बिल्कुल सादी रखी है। होता ये है चुंदरी के सूट में, पूरा सूट चुंदरी वाला ले लेते हैं लोग, तो वो थोड़ा सा हेवी हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये पूरा पैंट भी सादी रखी, शर्ट भी सादी रखी, और उसमें हमने थोड़ा सा पाइपिंग वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग कर दी, पाइपिंग हमने मजेंडा कलर की लगाई, और दुपट्टा हमारा इतना खूबसूरत है चुंदरी का, तो हमने इसके ऊपर और भारी कर दिया, लेस लगा दी, तो पीस बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही डिसेंट सा लगेगा। मैं आपको दूसरी लेसेस दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें ये लेस है, मार्केट के अंदर चल रही है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। इस लेस के साथ मैंने ये डिज़ाइन बनाया और अपने चैनल के ऊपर इस डिज़ाइन की वीडियो भी बनाई है। तो इस लेस का इस तरीके से मैंने लगाया है, और ये डिज़ाइन मैंने चकोर चकोर खाने बनाए, इसके अंदर मैंने हल्की बकरम यूज़ की, ये मोतियाँ लगाई हैं, प्लेट्स डाली है। तो ये डिज़ाइन मैंने अपने वीडियो चैनल के ऊपर बनाना सिखाया भी है, इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आप ये देखें ये लेस के साथ मैंने इसके अंदर की कारीगरी करी है, पीछे से बिल्कुल गुम कर दिया, हाफ बूट से लगाना सिखाई है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन सिखाया। तो आपको जिसको ये डिज़ाइन सीखना हो तो वो चैनल के ऊपर जाके और इस डिज़ाइन को सीख ले। बाकी मैं आई के निशान के ऊपर भी इसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप आई के निशान पर क्लिक करेंगे तो जिन दोस्तों को ये डिज़ाइन सीखना हो वो दोस्त इस डिज़ाइन को सीख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी लेस की तरफ दोस्तों। ये देखें ये कॉटन का शर्ट है, इस पर मिरर का काम हुआ है, इसके अंदर हमने ये लेस यूज़ करेंगे, जो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेस लग रही है। और एक शर्ट के अंदर और यूज़ करेंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, दो शर्टों में हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम लगाएंगे नीचे से दामन के अंदर, स्लीव्स के अंदर, पैंट के पाँचों के अंदर, दुपट्टे के पल्लू के अंदर। तो हम इसको पट्टी के ज़रिए इसको गुम कर देंगे पीछे की तरफ, ये जो चमक पट्टी आ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा चमक चमक अच्छी नहीं लगती। और फिर ये हमारे रिंग इस तरीके से आएंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे, आजकल रिंग वाला डिज़ाइन चल रहा है। और बाकी अगर आपको रिंग वाला डिज़ाइन सीखना हो तो मेरे चैनल पर जाएँ, मैंने उसके अंदर कपड़े से और रिंग बनाना सिखाएं, लूप से रिंग बनाना सिखाएं, पाइपिंग वाले रिंग बनाना सिखाएं, तीन चार मैंने वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल में जो मैंने रिंग बनाना सिखाएं। अगर आपको रिंग बनाने में मेहनत लगती है और आपको रिंग बनाने, तो आप ये लेस भी ख़रीद सकते हैं और ये लेस भी लगा सकते हैं। इसके अंदर मल्टी कलर में लेस मिलती है और हर कलर में मिलती है लेस, मैंने मल्टी कलर में ली क्योंकि मेरा ये कपड़ा मल्टी कलर का आ रहा था, तो उस हिसाब से मैंने ये लेस उठाई है। और ये दो तीन सूट हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको वो वाली वीडियो भी दिखाऊंगा जो हलीमा सुल्तान ने पहनी है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो सबसे एंड के अंदर मैंने आपको आपसे बोला था, हलीमा सुल्तान वाली। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको वो वाली लेस जो मैंने कहा था एक ड्रामा सीरियल के अंदर जो चल रही है, जो सबसे मशहूर ड्रामा है और इंटरनेशनल तौर पर वो मशहूर हुआ ड्रामा। तो उस ड्रामे के अंदर वो हलीमा सुल्तान ने जो अपने स्कार्फ के अंदर जो वो कैप पहनी हुई है उसके ऊपर उसने ये लेस यूज़ की है, तो ये वो लेस है, ये है उसके अंदर ये लेस पहनी हुई है। तो आप अपने स्कार्फ के अंदर लगा सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे लगा सकते हैं, चाहें तो आप अपने दामन पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये लेस इस तरीके से आएगी, ये देखें, मैं इसको कपड़े को डबल कर देता हूँ क्योंकि नीचे वाला भी प्रिंटेड आ रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये इस तरीके से आएगी सिंगल करके। हलीमा सुल्तान ने जो जिसमें कैप पहना हुआ है उसके अंदर ये इसने ये लेस यूज़ की है, तो ये लेस बहुत प्यारी लग रही है और आजकल बहुत ही नए मार्केट के अंदर बहुत चल रही है, बहुत ही प्यारी लेस है, बहुत ही डिसेंट सी लेस है, मोतियों का काम किया है और इसके अंदर ये मल्टी कलर के इसने इसमें कुछ लगाया हुआ है प्लास्टिक का, तो ये बहुत अच्छी लेस लग रही है और चल भी रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं अपने स्कार्फ के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर, शर्ट के अंदर, दामन के अंदर, स्लीव्स के अंदर, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आपको अच्छी लगे, गले में कोई डिज़ाइन कर सकते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।